जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। सो आज पूरे हिमाचल में एचपी बोस द्वारा जेबीटी एंट्रांस एग्जाम कंडक्ट करवाया गया 8 जून 2024 को। तो जीके की आंसर की ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है विजयपथ एजुकेशन चैनल के ऊपर। अब मैथ के सेक्शन को हम कंप्लीट करेंगे, इसकी आंसर की को जानेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे और ये सभी क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए भी ज़रूरी हैं। अभी टेट का एग्जाम आने वाला है तो 25 में से 25 क्वेश्चन आपके मैथ के जो हैं वो आने चाहिए। 25 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था टोटल मैथ का सेक्शन। स्टार्ट करते हैं, सीरीज बी को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक बार लाइक आप ज़रूर कर दीजिएगा इस क्लास को एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में और आंसर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कितने आपके मैथ के सेक्शन के सही उत्तर रहते हैं। तो मैथ को स्टार्ट करें और सीरीज बी हमारे पास रहेगी। 51 क्वेश्चन था, इसमें आपके पास कुछ नंबर्स दिए गए थे, इन नंबर्स को आपने जो है वो बताना था असेंडिंग ऑर्डर में और उसके बाद आपको बताना था कि मिडल पे कौन सी वैल्यू जो है वो आती है। देखिए असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब भी फ्रैक्शन की टर्म्स आती हैं सबसे आसान मैथड क्या होता है, इसमें आप इसको जो है वो सभी को 10 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मैं आपको इसका मेथड भी सिखा देता हूँ साथ साथ में। जैसे कि यहाँ पे है 2/3, तो 2 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 बन जाएगा, यानी कि आप ऊपर वाली रकम में एक जीरो लगा सकते हो। सिंपल इतनी सी चीज़ है, ठीक है। 20/23 जीरो और 30 आ जाएगा, यहाँ पे 90/10 आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू को आपने क्या करना है, जीरो उसमें लगा देनी है बस एक अलग से, ठीक है। सिंपल बस यही आपको करना है। अब आपको कटिंग करनी है, इजी रहेगा। 3 से जब आप इसको काटेंगे तो ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 0 से 0 आपकी चलेगी, ये आपके पास 7 पॉइंट समथिंग बनेगा, ये आपके पास कंप्लीट 9 बनेगा, 15 × 7 = 105, तो ये 7 पॉइंट समथिंग आपके पास रहेगा। और जब आप लास्ट को काटेंगे 15 × 2 = 30, ये 2 पॉइंट समथिंग में जाएगा, ठीक है। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर में आपको चेक करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है छोटे से बड़ी, ठीक है, बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। तो सबसे पहले तो आ जाएगा ये 2 वाली टर्म, ठीक है, 2 वाली टर्म आ गई। उसके ये है आपके पास 4/15, उसके बाद आएगी इससे बड़ी है 6 वाली, तो 6 वाली आपके पास थी ये 2/3 वाली, ठीक है, 2/3 वाली टर्म थी। उसके बाद आप लिखेंगे 7 वाली, अब ये मिडल वाला नंबर आएगा आपके पास, ठीक है। फिर यहाँ पे सेम दो चीज़ें आएंगी, अब आपको 7 में से चेक करना है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ठीक है। तो देखिए जब आप इसको फर्दर जब आप इसको डिवाइड करेंगे 23 को 3 से जब आप डिवाइड करेंगे, ये आपका चला जाएगा 7 से 21, फिर आ जाएगा 2, फिर पॉइंट लगेगा 0 और 6, ये आएगा 7.6। और अगर सेम टर्म आप 11/0 में अगर आप इसको चेक करते हैं, 15 × 7 = 105 होते हैं, ये बचेगा 5, फिर यहाँ पे आएगा पॉइंट, यहाँ पे लगेगी 0, ये 7.3 आएगा आपके पास। तो देखिए यहाँ पे जो हमने छोटी टर्म लिखी थी यहाँ पे 7.3 वाली टर्म आएगी, तो 11/15 जो है वो हमारा मिडल नंबर आएगा, ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, HCF LCM दिया है, एक संख्या दी है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू। तो आपको LCM HCF दोनों दिए हैं, ठीक है, आप HCF की जगह भर दो 28, LCM की जगह भर दो 336, और फर्स्ट वैल्यू आपके पास 112 और बी की वैल्यू आपको निकालनी है। ये 112 आपका ऊपर से कहाँ चला जाएगा, इस तरफ जाएगा तो नीचे चला जाएगा, 112 से आपका पूरा कट जाएगा 3 बार, 28 को आप क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे, 84 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपके पास रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसमें आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, a³ - v³ का फॉर्मूला यहाँ पे आपके पास बनेगा, क्योंकि सेम सीक्वेंस लिखी है। 9.6 को आप a मान लेंगे a³, और b आप 5.4 को मान लेंगे, ये क्यूब का फॉर्मूला है। नीचे आपके पास बन रहा है ये a², ठीक है, a², फिर आपके पास है (9.6 and 5.4), ठीक है, ये आपके पास बनेगा a × b, और उसके बाद है आपके पास 5.4 × 5.4, ये आपके पास बनेगा b². तो a³ - b³ को जब आप ओपन करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है a - b a² + b² + ab, और नीचे है आपके पास यहाँ पे a² + ab + b², ये ऊपर वाली वैल्यू से
ये नीचे वाली वैल्यू कट जाएगी, a माइनस बी बचेगा। तो a की वैल्यू 9.6 थी, b की वैल्यू 5.4 थी, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.2, विच इज द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है फोर्थ प्रोपोर्शन, आपको बताना था फोर्थ प्रोपोर्शन। तो इसको एक तो फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं, और सबसे आसान तरीका होता है यहाँ पे एक्स आप लिख दो, फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, मिडल वाली को आपस में मल्टीप्लाई करना और इक्वल कर देना है, ठीक है। तो 3 को आपने x के साथ मल्टीप्लाई किया और 7 को आपने 15 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये 3 आपका ऊपर से चला जाएगा दूसरी तरफ नीचे, तो 3 से 15 कटेगा 5 बार, और 5 को 7 से आप करेंगे तो 35, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2^16 डिवाइड बाय 2^13। देखिए जब भी डिवाइड का फिनोमिना आता है तो a की पावर m डिवाइड बाय b की a की पावर n, तो फॉर्मूला होता है a की पावर m माइनस n, तो ये बन जाएगा 2^16 माइनस के 13 मल्टीप्लाई 2^2, तो ये बनेगा 2^3 मल्टीप्लाई 2^2। तो जब भी प्लस होता है तो बेस अगर आपके सेम हो तो पावरें आपकी ऐड हो जाती हैं, तो 2^5 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहां पे दिया गया है। बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन थे, ये आपके एचपी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ज्यादातर गलती जो है वो हम इसी क्वेश्चन में करते हैं। इसमें आपको डिवाइड करना था, ठीक है, इसमें आपको डिवाइड करना था, आपको बोला है कि आधा करना है, ठीक है। सेम नंबर आप लिखेंगे 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10^30, इसको आपने आधा करना है, ठीक है। ज्यादातर यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, इस 30 को भी आधा कर देते हैं, ठीक है। आपने सिंपल नीचे 2 लिखना और कुछ नहीं चेंज करना है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, जब आपने इस 12 का पॉइंट हटाया, तो नीचे आपके पास कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपके पास 10, 2 से आपने 12 को काटा तो ये आपके पास बन गया 6। अब 10^1 है नीचे, अब ये जब ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 10^30 माइनस के 10^ ये आपके पास है 10^30, और नीचे है आपके पास 10^1। तो जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये बनेगा 6×10^29। तो 6×10^29 ऑप्शन नंबर डी जो था वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें आपको रेसिप्रोकल बताना है, आप मल्टीप्लाई कर लो, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21, माइनस माइनस प्लस होते हैं, 8 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 104। अब आपने इसका उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल कर देना, ऊपर वाली चीज नीचे लिखनी है, नीचे वाली आपने ऊपर लिखनी है, 104/21, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये रूट का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, √4 को आप ब्रेक करेंगे। ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया, 16, फिर √8 और उसके बाद √4, ठीक है। सबसे पहले आपने 4 को ब्रेक करना है, तो आपका ये जो 4 है ये आपका ब्रेक हो जाएगा किसमें, 2 में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 2, क्योंकि बीच में कोई सिंबल नहीं दिया, फिर 8×2 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीक्वेंस आपके पास कुछ इस तरीके की बनेगी, 16 जो है वो आपका टूटेगा किसमें, 4 में, तो 4 और इंटू 16 करेंगे तो टोटल बनेगा 64। अगर 64 जो होता है वो 8 का रूट होता है, देन ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन था, 100-300 का, ठीक है, 20%, 100-300, इसका आपको क्या निकालना है, 20% निकालना है, 20/100, और उसके बाद है का 40%। ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पे ब्रैकेट दी गई है, तो ब्रैकेट वाली टर्म जो है वो सबसे पहले सॉल्व होती है, ठीक है। ये आपका कट जाएगा 20 से, 20 आपकी कट गई, यहाँ पे बचा 100 माइनस के 3×20 आपके पास आएगा 60, और यहाँ पे है × 40/100, तो ये 100 में से आपके 60 चले गए तो आपके पास बचेंगे 40, फिर गुणा के 40/100, 20 से 20 कैंसिल आउट होगी, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा फॉर्मूला पूछा था, a²-b², इसका फॉर्मूला होता है a²+b² - 2ab, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, 64^1/6 बोला था, तो 64 जो होता है वो 2^6 होता है, आप इस 64 को ब्रेक कर सकते हो 2^6 में, और बाहर पावर दी गई है 1/6, 6 से 6 कट जाएगा, 2^1, यानी कि आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 2, ठीक है, ये आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था एरिया से रिलेटेड, मेंसुरेशन के चैप्टर से दिया गया था, किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि, देखिए सर्कमफ्रेंस दिया गया है, तो वो जो सर्कल है नीचे, जो सर्कल बनता है आधार में, उसकी जो परिधि है वो 44 है, तो उसकी परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr,
इसकी ये वैल्यू दी गई है आपके पास 44, ठीक है, और हाइट आपके पास दी गई है 15। आपको निकालना क्या है, इसका आयतन निकालना है। आयतन का फॉर्मूला होता है बेलन के, पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर एच। तो सबसे पहले आप रेडियस निकालेंगे, हाइट आपके पास ऑलरेडी दी गई है, आप रेडियस निकालेंगे तो रेडियस की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 44 डिवाइडेड बाय 2 पाई, और पाई की वैल्यू क्या, 22/7। ये कट जाएगा 2 से और ये कट जाएगा 22 बार, 22 से 22, यानी कि ये पूरा कट गया और आर की वैल्यू आपके पास 7 आ गई। अब इस फॉर्मूले में आप भरेंगे 22/7 गुणा आर स्क्वेयर, यानी कि 7 × 7, और हाइट दी गई आपके पास 15, एक 7 से दूसरा 7 कट गया, आंसर बचेगा 22 × 7 × 15। सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 2310। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। 63 क्वेश्चन यहाँ पे भी ज्यादातर बच्चों ने जो हो वो गलती की होगी। देखिए, आपको दिया गया है मीन ऑफ 10 नंबर इज 0। मीन का मतलब होता है एवरेज। 10 नंबरों की एवरेज जो है वो आपको 0 दी गई है। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से है, एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ठीक है। तो एवरेज आपको, माध्य कितना दिया गया, 0, ठीक है। सम आपको पता नहीं है और नंबर आपके पास कितने हैं, 10, ठीक है। तो 10 उस तरफ चला जाएगा तो सम कितना आ जाएगा, सम आपके पास आ गया टोटल 0, ठीक है। सम 0 आ गया। अब आपको बोला कि दो वैल्यूज ऐड की गई, ठीक है, इस सम में, ठीक है, 72 और 12। तो जब आपने दो वैल्यूज ऐड की, 72 और प्लस के आपने किए 12, ठीक है, एक वैल्यू माइनस में, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। अब आपको नया मीन बताना है, एवरेज बतानी है। देखिए फिर से एवरेज का सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, एवरेज इज इक्वल टू सम। अब सम कितना बन गया, 60 बन गया, और टोटल नंबर कितने हो गए, पहले 10 नंबर थे, अब आपने एक 72 ऐड किया, एक 12, यानी कि आपने दो नंबर और ऐड किए, तो टोटल नंबर कितने हो गए, 12। 12 से कट जाएगा 5 बार 12 5 60। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, नया एवरेज या मीन जो है वो आपके पास 5 रहेगा। ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना था, सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा आपको ट्रिक की इसमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना सिंपल आप यूज करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। आप इसको ओपन करेंगे, 6 को 5 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, 6 को 5 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 30, और 30 और 5 कितने आ जाएंगे, 35/6 गुणा 6 को 7 से किया 42, 42 और 3 आ जाएगा 45, 45/7, फिर प्लस के 5 × 10 = 11/2 कट जाएगी वैल्यू, 7 से कट जाएगी आपकी 5 बार, ठीक है। 5 को 45 से आप गुणा करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 225/6 और प्लस के 11/2। एलसीएम मेथड से आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 6, फिर 2 × 5 प्लस के ये 2 से जाएगा 6, 3 × 11 = 33, ठीक है। 225 और 33 / 6, तो आपके ये 225 और 33 आप ऐड कर लो, ये बनेंगे आपके पास 258/6। आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो 43 आपके पास आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रेशियो के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन दिया गया था, 3 और 5 की रेशियो दी गई है। रेशियो हमेशा मल्टीपल पे होती है, एक्स आप लिख सकते हो, यहाँ पे प्लस, दोनों में 10 10 को बढ़ा दिया तो 10 ऐड कर दिया, नई रेशियो कितनी बनी, 5 और 7 बनी। क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 3 से किया 21x आएगा, प्लस यहाँ पे 70 आ गया, 5 × 25x और प्लस के 50। एक्स वैल्यू एक तरफ रखेंगे, 21 और 25 एक तरफ और 70 और 50 दूसरी तरफ, 25 में से 21 चले गए आपके पास बचेंगे 4x, और 70 में से 50 चले गए 20, तो 4 से 20 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। अब रेशो आपके पास कितनी थी, 3:5, इन दोनों को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 3 के साथ जब करेंगे तो 15 आएगा, और 5 के साथ करेंगे तो 25 आएगा। तो 15 और 25 ये दोनों संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें आपको माध्य बताना था, माध्य का मतलब होता है एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ठीक है। तो आपको इनका क्या करना है, सभी का सम करना है और डिवाइड करना है कितने नंबर है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो डिवाइड कर देंगे आप 5 से, लेकिन इससे भी आसान मेथड क्या है, अगर आपके पास गैप इक्वल है,
ठीक है, गैप इक्वल है तो बिना फॉर्मूले के भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि देखेंगे 94, 94 क्या दो छोड़े 96, फिर दो छोड़े 98, दो छोड़े 100, फिर दो छोड़े 102, ठीक है। तो इसका जो मेन मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, वो आप क्या करेंगे, जो मिड का नंबर होता है, जो मिडल नंबर होता है, वही आपका क्या होता है, एवरेज या मीन होता है, ठीक है। तो मिड में दो आपने पीछे छोड़ दिए, दो आपने आगे छोड़ दिए, तो मिड का नंबर बना 898, 898 ऑप्शन बी। फॉर्मूले से भी आप चेक करेंगे, सेम आंसर आपके पास बनेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, सीरीज बी को हम डिस्कस कर रहे हैं। वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है और उसका 1/4 का जो है वो आपको एरिया चेक करना है। तो देखिए परिधि का फॉर्मूला, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, और इसकी जो वैल्यू दी गई है वो आपके पास दी गई 22। रेडियस आप निकालेंगे, रेडियस आ जाएगा 22 डिवाइड बाय 2, पाई की वैल्यू है आपके पास 22/7, ये 22 से 22 कट गया, रेडियस की वैल्यू आपके पास आ गई 7/2, रेडियस आपके पास कितना आ गया 7/2 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन उसके क्वाड्रेंट का निकालना है फोर्थ हिस्सा, तो 1/4 कर देंगे आप, ठीक है। तो ये फॉर्मूला 1/4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 7/2 एंड 7/2, ठीक है। स्क्वायर में 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 22 कटेगा 11, 11 को 7 से गुणा करेंगे 77, और नीचे 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 77/8 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक समांतर श्रेणी का एन पद, जो लास्ट नंबर है वो 2n+1 दिया गया। एपी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचपी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रथम तीन पदों का योगफल आपको बताना है। आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑफ बाय ऑप्शन, या फिर अगर आपको यहाँ पे एक प्रॉपर मेथड से करना है तो आप एन की वैल्यू जो है वो 1 से लेके चलेंगे, ठीक है, 2n+1। तो जब आपने एन इक्वल टू 1 लिया, तो जब आप 1 भरेंगे तो यह आएगा 2 × 1+1, तो 2 × 1 = 2, 2+1, तो आपके पास पहला नंबर जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर n की वैल्यू आपने क्या भरनी है, 2 भरनी है, 2 × 2+1, 2 × 2 = 4, और +1 तो दूसरा नंबर आ गया 5, ठीक है। उसके बाद आप तीसरे नंबर के लिए n की वैल्यू आप भरेंगे 3, 2 × 3 और +1, तो ये आ जाएगा 6 और 1 = 7, तो तीसरा नंबर 7। अब इन सभी का सम पूछा था, तो 7 और 3 = 10 और 5 = 15, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आज का जो जेबीटी का आपका एग्जाम था वो ऑलमोस्ट मैथ का कंप्लीट सेक्शन आपका सी टेट 2013 के पेपर से पूछा गया था। सी टेट 2013 का जो आपका पेपर है वहीं से ऑलमोस्ट आपका सारा का सारा पेपर जो है वो पूछा गया मैथ के सेक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, इसमें आपको रूट निकालने थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो 2x² सम एंड प्रोडक्ट का आप मेथड यूज करेंगे। एक्स को आपने ब्रेक डाउन करना है कि मल्टीप्लाई करके 12y, और प्लस करके जो है वो आपके पास क्या है, ये प्लस या माइनस करके आपके पास माइनस एक्स बचे, तो ये आपके पास टूटेगी वैल्यू 4x प्लस के 3x में, एंड प्लस के 6 = 0। वी स्क्वेयर माइनस 4ac का फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, 2x आप कॉमन रखेंगे, अंदर बचेगा x माइनस के 2, और यहाँ पे भी x - 2 बचेगा, यहाँ पे आपके पास आएगा +k3, तो एक वैल्यू बनेगी आपके पास x - 2 = 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो ऑप्शन बी या डी में से हो सकता है। दूसरी वैल्यू आपके पास बनेगी 2x + k3 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास बनेगी -3/2, -3, एक वैल्यू बनी 2 और दूसरी बनी -3/2, 2 and -3/2, ऑप्शन नंबर बी इसके साथ मैच कर रहा है। 69 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 70, देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि पूर्ण वर्ग संख्या आपको बतानी है, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको बताना है जो डिविजिबल हो जाए 6, 9 and 15 से, 6, 9 and 15 से जो है वो क्या हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, ये वैल्यू जो है वो आपको बतानी है। तो देखिए आप यहां पे क्या करेंगे, 6, 9 and 15 का एलसीएम निकालेंगे, 6, 9 and 15 का आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसका जो एलसीएम आपके पास आएगा, यहां पे आपने 2 से किया, ये 3 आएगा, ये 9 आएगा, ये 15, फिर आप 3 से करेंगे, ये 1, ये 3 एंड ये 5, तो 5 से 15
15 × 3 = 45 और 45 × 2 = 90। तो 90 आपका आंसर बन रहा है और हम जल्दबाजी में क्या करेंगे, 90 को टिक कर देंगे, ठीक है। बट 90 इसका राइट आंसर नहीं है क्योंकि आपको क्या बोला है, छोटी संख्या बतानी है, पूर्ण वर्ग। अब 90 किसी का भी स्क्वेयर नहीं होता है, 90 किसी का स्क्वेयर नहीं होता, तो 90 से आगे आपको जाना है, ठीक है। 90 से आपको आगे जाना है, ठीक है, तो जो आपके ऑप्शन में भी हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा क्योंकि 900 जो है वो 30 का स्क्वेयर होता है और ये 6, 9 और 15 सभी से क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, ठीक है। 6, 9 और 15 से जो है वो डिवाइड हो जाती है, तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी जिसका क्षेत्रफल आपको दिया। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वेयर इज इक्वल टू, ठीक है, 441 आएगा, तो साइड कितनी आ जाएगी, 441 का अंडर रूट, 441 होता है 21 का, तो साइड कितनी आ गई, 21 आ गई। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या, ये तो बिल्कुल ईजी है, 1296, ठीक है, 1296 जो है वो किसका है, यहाँ पे 36 का स्क्वायर है, 36 का स्क्वायर होता है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्वेश्चन एचपी टेट में भी पूछा जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, ए और बी आपको चेक करना था। देखिए आप इसको हिट एंड ट्रायल से चेक कर सकते हैं इजीली, ठीक है। आपने ए की वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए को चेक करना है सबसे पहले, ए की वैल्यू आपने 7 लिखनी है, बी की वैल्यू 4 लिखनी है, इसको मल्टीप्लाई करना है 6 से, और नीचे जो वैल्यू है वो आपकी बी टर्म आनी चाहिए, बी आपने क्या कंसीडर किया, 4, यानी कि 444 आना चाहिए। तो 6 को 4 से करेंगे, 6 × 4 = 24, 7 × 6 = 42 एंड 244। तो देखिए ऑप्शन ए मैच कर रहा है। ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हिट एंड ट्रायल के ऊपर बेस्ड होते हैं, ऑप्शन के थ्रू, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था 74, यहाँ पे बोला था कौन सी संख्याएं जो स्वयं की रेसिप्रोकल होती हैं, खुद की रेसिप्रोकल होती हैं, तो 1 और -1, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन था, इसमें आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुफलक के 30 किनारे दिए हैं, 12 फलक दिए हैं, आपको शीर्षों की संख्या बतानी है, तो इसका फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, कई बार पूछा जाता है, हम पजल हो जाते हैं कैसे आपको निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है फलक प्लस शीर्ष इज इक्वल टू किनारे प्लस 2, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। फलक और शीर्ष को जमा करना है और बराबर में लिखना है किनारे जमा 2, ठीक है। तो फलक आपको कितने मिले हैं, 12 मिले हैं, ठीक है, शीर्ष आपको निकालने हैं, किनारे आपके पास दिए हैं 30 और जमा के 2, ठीक है, ये ऐसा आपका इसी तरफ रहेगा, 30 और 2 कितने हो गए, 32 और माइनस के 12, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कितना रहेगा, 20 बनेगा। ये भी आपका सीटेट 2013 का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। सो ये हमारे टोटल 25 क्वेश्चन थे। इसके बाद जीके के सेक्शन को हमने कवर कर लिया, उसकी ऑलरेडी आपको क्लास जो है वो अपलोड करवा दी गई है। तो इजी क्वेश्चन थे, 25 में से 25 क्वेश्चन जो थे वो आपके आने चाहिए, बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन थे। कमेंट करके आप जरूर बताइए, एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा इस क्लास को। जल्दी नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे, ओके, थैंक यू।